सेफ्टी अधिकारी। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपनी फायर से। फायर क्या होता है? फायर एक प्रक्रिया होती है जो तीन चीजों एमिशन से बनती है। हमारी सबसे पहले हवा हवा, उसके बाद हमारा ईंधन, क्या ईंधन है, किस चीज में आग लगनी है, उसके बाद हमारा ताप, उच्च ताप, किसी चीज का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के हिसाब से आग लगती है। क्योंकि जब उस चीज को तापमान मिलेगा, उस तापमान पर वो आग पकड़ेगी, वरना वो आग नहीं लगेगी। ऑक्सीजन भी, जो हमारी हवा होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर उसको सही मिलेगी तभी आग निकलेगी। और आग जब लगती है उसके बाद उसमें फ्लेम, धुआं, ये उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं आग। अब हमारी जो आग होती है, आग चार तरीके की होती है हमारी। सबसे पहली होती है हमारी ठोस पदार्थ की आग, ठोस पदार्थ जैसे हमारी लकड़ी, गत्ता, कपड़ा। दूसरा हमारा तरल पदार्थ की आग, तरल पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल, थिनर वगैरह, या कोई भी तेल, ज्वलनशील तेल। तीसरी गैस की आग, सीएनजी, एलपीजी, या हमारी ब्यूटेन और मीथेन। चौथी होती है हमारी मेटल की, जिसमें हमारा लोहा, स्टील, यूरेनियम, थोरियम, ये चीज़ आती है। तो हर चीज़ का अलग अलग तापमान होता है। फिर इनके बाद आती है हमारी बिजली की आग, जो हमारी घरों में लगती है या ऑफिसों में लगती है। तो बिजली की आग होती है वो अलग होती है। फिर हमारी किचन की आग, रसोई घर की आग, जैसे हमारा कोई भी कैटरिंग वगैरह सामान में आग लगती है, या किसी भी सामान में आग लगती है, तो वो हमारी 5 मीटर की आग होती है। लेकिन मेन आग होती है हमारी चारी, हमारी जो एक्सटिंग्विशर होते हैं, फायर के एक्सटिंग्विशर होते हैं, आपकी भाषा में सिलेंडर, वैसे एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो हमारा एक्सटिंग्विशर, हर एक्सटिंग्विशर हर चीज़ के लिए बनाया गया है। जैसे हमारा ये वाला एक्सटिंग्विशर, ये एक्सटिंग्विशर ABC टाइप, इसमें होता है पाउडर। जो पाउडर होता है वो हमारा, हम तीन तरीके की आग पे लगा सकते हैं। इसमें लिखा A, B और C, मतलब ये हमारी ठोस पदार्थ की आग। दूसरा हमारा लिक्विड की, मतलब तरल पदार्थ की आग। तीसरा हमारा गैस की आग। हम तीन तरीके की आग इसको चला सकते हैं। और इसका चलाने का तरीका होता है हमारा, सबसे पहले कई आदमी गलती करते हैं, इधर से पकड़ लेते हैं। हमारा नोजल जो है, डिस्चार्ज नोजल, इधर से पकड़ना चाहिए, क्योंकि जब इसमें प्रेशर होता है, इसके अंदर जो गैस होती है, गैस के अंदर होता है हमेशा प्रेशर, वो कंप्रेस करके भरी जाती है। तो प्रेशर की वजह से वो हमारे चेहरे पर लग सकता है। तो हमेशा हनुमान जी की पोजीशन में, इस तरीके की पोजीशन में हमारा एक्सटिंग्विशर चलाया जाता है। तो एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका होता है हमारा, सबसे पहले हमने इसकी ये निकाली पिन, पुल दी पिन, मतलब पिन निकालो, 5 मेथड होता है इसका। पुल दी पिन, ए का मतलब हमारा एम, मतलब उसका स्कोप, एक अपना एम करना कि भाई आप कहाँ लगी है। फिर एस, स्क्वीज, उसका जो लीवर है, लीवर को दबाना। फिर स्वाइप, मतलब जैसे आग हमारी कितनी जगह में लगी, पूरी जगह में आग बुझाना। तो हमारी आग बुझाने का एक तरीका, जैसे ये कोई भी एक आएगा चलाने, देखो साइड ये हमारा नेक्स्ट मेथड है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कोई आएगा, और कोई आएगा, तो हमारा आग का हमेशा क्या होती है, हमारी बॉडी, हमारा हनुमान जी की पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि जो ये है ये आगे पकड़ा होना चाहिए इस तरीके से। ये दूसरा हमारा आता है, और इसके बाद हमारा चेक करने का तरीका, इसमें जो अपनी नोजल होती है, अब ये रेड पे आ चुका है, लाल पे, तो लाल का मतलब है इसमें गैस नहीं रह रखी, हरे पे है, तो हरे का मतलब क्या है, हरे में हमारी गैस बची हुई है, लाल का मतलब क्या है, ये सब खत्म होने वाली है बिल्कुल, अब ये 0 से 10 के बीच में आ चुका है। 20 तक हमारा जो प्रेशर होता है, 20 तक का नॉर्मल प्रेशर होता है। इसके बाद हमारा दूसरा
बाद में इसको क्या हमें बंद कर देना है ताकि वो ना चला पाए। अब हमारा आता है CO2 टाइप का, बेटा चलो चलो बेटा चलो चलो चलो, सिलेंडर है, एक्सटिंग्विशर है, उसको हम खुले में नहीं चला सकते क्योंकि खुले में क्या CO2 हमारे वातावरण में चली जाएगी, ये कुछ नहीं करेगी। ज्यादा बंद जगह में भी हमें नहीं चलानी क्योंकि तो अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो आदमी सांस नहीं ले सकता, ऑक्सीजन होते आदमी सांस के लिए, तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो आदमी सांस नहीं ले सकता। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है ये चीज़, ये डिस्चार्ज हॉर्न, ये जो हॉर्न होता है ये इसकी पहचान है। ये नहीं कि हम इसको आगे छोड़े, कभी भी ये गलती मत करना। इसमें क्या होता है फ्रॉस्ट बिटन, इसमें से गैस निकलती है, तो गैस जब निकलती है तो क्या इसमें ठंडक होती है, वो ठंडक होती है तो हमारे हाथ फ्रॉस्ट बिटन हो सकती है, मतलब हाथ सफ़ेद टाइप के नहीं होते, सर्दियों में हो जाते हैं जैसे ज़्यादा जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है, तो यहाँ से पकड़ के तब अपना अच्छे से ये इसकी होती है ऑपरेटिंग लीवर, लीवर जो होता है इसका होता है लीवर वो स्क्वीज करने वाला, इसका होता है ऑपरेटिंग रिवॉल्विंग करने वाला, तो ये पिन निकाल के साइड में हो जाओ भाई, तो इसको इस तरीके से करना। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, सब अपनी अपनी ड्यूटी पे जाएं। दिल्ली पुलिस का हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच आए और हमारे साथ में इस ट्रेनिंग सेशन को आपने ज्वाइन किया, और हमारे सुरक्षा अध्यक्ष विजय बंसल जी भी हमारे साथ थे, और हमारी सारी टीम इसमें जिसने हमारा सहयोग किया, इसमें हमारे बिजली वाले, टेंट वाले, कला पक्ष से सभी लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, जिससे कि हम इनको सबको एक बार हम अच्छे से रामलीला को अच्छे वातावरण में प्रभु राम का गुणगान कर पाएं। धन्यवाद, जय श्री राम, जय श्री राम।